नाम जानता है अपने बताने? नहीं जानता है? तेरा क्या नाम है छोटू? खाना खाया? हाँ, चॉकलेट खाया, खाता है? यहाँ पे अपने खतरनाक ओपी बंदे लोग हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो फाइनली अपने विलेज पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं टकलू उठ चुका है और माहौल दे ला स्टार्ट। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल कितना टाइम हुआ है यार, जल्दी बताओ घड़ी देख के। 8:47। तो अभी टाइम हो रहा है 8:47 PM और यहाँ पे अपना विद्या किराना स्टोर को ऐसा क्लोज करके हम लोग जा रहे हैं अभी टकलू के घर में। पता नहीं वो बंदा सो गया है कि नहीं सोया है, फोन बहुत खेलता है सुनने में आ रहा है, तो अभी जाके पता करेंगे और उसका फुटेज उटेज लेंगे, मजा आएगा। फिर ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले वाला खत्म हो चुका है और अभी नया स्टार्ट हो गया। तो ड्रोनजर बंद बंद करके आ चुका है, तो चलते हैं। अपना ओरियो यहाँ पे, हेलमेट अंदर रख दिया हूँ और मैं बहुत सारा फोटो वगैरह प्रिंट करने वाला हूँ जो कि अपने रूम पे लगाना है और डायनेमिक में चिपकाना भी है। तो मैं डायनेमिक वाला काम हो गया है, बाकी अपने जो पर्सनल फ़ोटो मैं निकलवाऊंगा कल सुबह निकालूंगा, ऐसा A4 साइज़ में एक एक फुल साइज पूरा रूम में फ़ोटो, मज़ा आ जाएगा देख के। तो चलेंगे अभी रूम पे, बाइक यहीं खड़ा है तो कंटिन्यू करेंगे घर जाके थोड़ा सा। तो देखो अपन लोग घर आ गए हैं और टकलू अभी सो गया है, तो कल से उसका फुटेज लेंगे सुबह। और बाकी कुछ नहीं, अब रेस्ट करते हैं, खाना खाएंगे, दिन सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे, फिर दुकान जाएंगे, दिन प्रिंट आउट करेंगे, मज़ा आएगा। तो देख सकते हैं टकलू उठ चुका है और माहौल दे ला स्टार्ट। हाय हेलो कर दे यार, चल हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे। अरे 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 ब्रो ब्रो, अरे अरे। तो मैं 4 बजे उठ गया था और वीडियो एडिट करते, एक वीडियो एडिट हो चुका है और कल का जो इंटर्नशिप वाला है वो एडिट नहीं हुआ है, तो जाता हूँ उसको एडिट करता हूँ। टकलू यहाँ पे उठ चुका है, तो जल्दी से पैंट पैंट पहन यार चलते हैं शॉप। और बंदे लोग पता नहीं कितने बजे उठेंगे, वो लोग 10 बजे सो गया था मैं एकदम तगड़े से, देन नींद खुला 4 बजे। तो देख सकते हैं यार आयाना आ गई है यहाँ पे, अब मेरे को पहचानने से साफ इनकार कर दे रही है, मेरे से एकदम दूर दूर जा रही है। कैसे आ रहे, तू बड़ी नहीं हो पा रही है यार, कैसे चलेगा ऐसे में? हाँ, तो ये रहे आयाना के बच्चे पार्टी लोग। और ब्रो कैसे, ओए भग गया, ये देख रहे हो? अरे यार ले इसको, कैसे कैसे आना भगे भग गए। तो यार ये भी उसका दोस्त है, ये बंदा है कि बंदी है? वे सारे लोग बंदी है। इधर देख, इधर आया ना, पहचान रही क्या? हाँ बस हो गया, जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आयाना का पूरा गैंग है, 5 लोग का पंटर लोग। ए भाई लोग इधर आओ, तो इधर आओ, दिखाओ गाड़ी इधर। चल यार अपना क्या नाम है, तेरा क्या नाम है यार, नाम जानता है अपना बताने? नहीं जानता है? तेरा क्या नाम है छोटू, क्या नाम है? खाना खाया? हाँ, चॉकलेट खाया, खाता है? अरे तू खाना खाया क्या यार? हाँ, ये गाड़ी कितने में खरीदा है बता दो, गाड़ी कितने में खरीदा है? तो देख सकते हैं यहाँ लड़का पार्टी लोग, इधर 5 लोग आए हैं, एकदम एकदम कोई रोल नहीं दे रहा है ना सब। ये आया ना इधर, इधर आना, तो एकदम सरमान है क्या क्या, तो पहचान नहीं रही है लगता है, बहुत दिन के बाद देखी है ना। बाकी शॉप में आ गया हूँ, फोटो वोटो प्रिंट आउट करता हूँ, मेरे लोग निकल ले रहे हैं, और पंटर लोग तो उधर चल ले रहे हैं, तो गलत यार है, अच्छे लोग ला, गांव में अलग ही सीन रहता है। तो बात ऐसा है कि अभी फ़िलहाल मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ ना पूरा फोटोज़ वगैरह रूम पर लगाने के लिए, तो ये फ़ोटो मेरा ओपी फोटो है, मज़ा आ गया। तो ऐसे ही नॉर्मल पेज पर कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो कुछ नहीं, हैंग हो गया था तो रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत पिक बचा है उसको करता हूँ, उसके बाद चलेंगे घर यार। तो ओवरऑल काफ़ी सही लग रहा है, मज़ा आएगा पिक देखने में ऐसा रूम में लगा हुआ। वीडियो वगैरह तो अच्छा ही आ रहा है, तो अभी आ रहा है, तो मैं पूरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है तो निकाल रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं मज़ा आ रहा है। हो ना यार, माउस थोड़ा सा ख़राब है ना, ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो सारा चीज़ तगड़ा है, यहाँ प्रिंटर डबल प्रिंटर है, मज़ा आ गया। तो वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है प्रिंटर, बट कंप्यूटर से निकालने वहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो वही वाला कर रहा हूँ फिलहाल। तो यार फाइनली अपन ऐसा फ़ोटो प्रिंट कर ली है, अब रूम में जाके लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम, माहौल ओपी इन द चैट, जो भी आएगा मेरे रूम पे देखेगा मेरा हिस्ट्री, तो मज़ा आएगा। तो
किसी किसका फोटो नहीं निकालूँ, सारा लोग का फोटो तो है। तो फाइनली अपने विलेज पहुंच चुके हैं और ये रहा अपना सीन ऐसा, वो रहा अपना छोटा राहुल। कॉलेज में तो दो राहुल हैं बट यहाँ पे भी एक राहुल है। भाई 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 देख सकते हैं राहुल सो रहा था क्या वे, तो इसका हालत ख़राब लगता है, ज़्यादा मोबाइल खेल दिया है। फाइनली अपन लोग गाँव पहुँच गए हैं और अभी मेरे को तुरंत निकलना है क्योंकि 12:01 बजने वाला है। उससे यार फिर से स्कूल अटेंड करना है अपना, तो एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, अभी तुरंत निकलूँगा मैं कुछ ही मिनटों में। मम्मी तो नहीं है घर में, पता नहीं किधर है, तो चलते हैं बस 2-4 मिनट हवा खा लेते हैं गाँव का, फ्रेश हवा गाँव का, यार मज़ा आ गया। तो फिलहाल राइडर मोड ऑफ है क्योंकि रेंजर चला रहा है बाइक, तो इसको चलाना नहीं आता उतने अच्छे से जितने अच्छे से हम भगा लेते हैं। तो जा रहे हैं वापस यार घर, क्योंकि कल से इंटर्नशिप का सेकेंड डे है और सेकेंड डे में ही पोपट नहीं कराना है, एब्सेंट वगैरह करके एप्लीकेशन देके। तो अपना गांव एकदम हरा भरा हो चुका है और पानी का मौसम भी बना रहा है, तो अभी नीरज भैया के घर जाना है, उसके बाद वहाँ से चलेंगे अंबिकापुर। यार ये वाला अपना एरिया है बोधा एरिया, जहाँ पे अपना घर बना हुआ है, तो ट्रांसफार्मर पे से अपन वायर जोड़े थे बीच में, तो अपना वायर को निकलवाना है, अभी निकालेंगे अपन लोग ऐसे घींच वींच के, करंट वरेंट लग गया तो मज़ा ही आ जाएगा। रेंजर बाइक अबे गिरवाएगा, गया 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 ते बंधन ला सही नहीं है साला, खड़ा करना भाई तू इज्जत से, दिमाग खराब तो हैंडल। बाकी गांव का क्लाइमेट काफ़ी सही रहता है, एकदम मस्त हरा भरा है इन्वायरमेंट, एकदम मस्त फ्रेश। तो ये रहा अपना ओपी घर, पता नहीं कब मज़ा आएगा बनेगा, तो मेरे को तो देख के ही मज़ा आ जाता है, ओ माय गॉड। तो सही है यार अपना घर वर तो इतना हो चुका है, बट आगे काम कराने के लिए मेरे को फ्री होना पड़ेगा, बीएड के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद उधर इधर बहुत मेरे को करना पड़ेगा तब जाके कुछ होएगा, तो सही है। तो अभी अपन लोग यहाँ पे नीरज भैया के घर के पास हैं, मस्वानी यार पे यहाँ पहुँच गए थे, वेट कर रहे थे थोड़ा सा चाय वाय पी लिए, अभी निकल रहे हैं डोंजर एक ड्राइव कर रहे हैं, बैठूंगा पीछे आराम से क्योंकि थोड़ा हालत खराब लग रहा है, हल्के लिए डेली प्लान में बनाना पड़ेगा, माय गॉड हालत खराब है, मज़ा आएगा। तो इसी प्रकार अभी टाइम हो रहा है 3:00 मिनट, तो 3 बज गया है और अपन लोग निकल रहे हैं यार, पानी तो एकदम मौसम से बना के रखा है, बिगिन में तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है चलते हैं भाई लोग हम लोग, तो ये वही जगह है बस आ रहा है कि क्या बेदी बस सीतापुर चल जाएंगे एकदम सीधे से। तो यार फिलहाल अपन लोग पहुंचने वाले हैं लुचकी घाट के पास और अपन आ रहे, तो मैं हेलमेट नहीं पहना फिर भी राइडर मोड पे चल रहे हैं, जितना अपने बाइक का क्षमता है उतना भमेड़ दे रहे हैं इसको, पूरा रेत दे रहे हैं बोल सकते हैं। तो रेंजर को अभी आ गया है थोड़ा टाइम प्लीज वाला सीन, तो उधर गया है बंदा और मस्त धूप कर रहा है अंबिकापुर में, और उधर हल्का सा बारिश आ रहा था शांतिपुरा लाल पांटी में। तो हम लोग कुछ देर अंबिकापुर पहुँच जाएंगे और रूम में जाएंगे और उसके बाद मज़ा आएगा। तो रास्ते में एक मिला था अपने को ड्यूक 390 वाला बंदा, जो कि लड़की को बैठाया था इसलिए वो तेज़ नहीं चला रहा था, दोनों हेलमेट पहने रहता था, मस्त चलाते बन जाता। तो ड्यूक 390 ऐसा बाइक को देख के ना मज़ा आ जाता है यार, अपने पास बेचारा अपाची 160 है ना, तो इसी में काम चला रहे हैं, बाकी पता नहीं कब अपन सुपर बाइक वगैरह कुछ भी चला पाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो भाई लोग अपन लोग पहुँच गए हैं अंबिकापुर, और अंबिकापुर में गलत कहीं धूप करा है और इधर तो पानी वानी का नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है, भयानक गर्मी लग गया और अपना बाइक वमेट दिया ना, तो ऐसा हेयर स्टाइल बन गया है। तो बस एंट्री करने वाले हैं, करथिया नाका चौक पहुँचने वाले हैं, दरिमा चौक पार हो गए हैं और कुछ मिनटों में अपन लोग रूम पहुँच जाएंगे, तो वही जाकर कंटिन्यू करते हैं, बाकी मैं राइड कर रहा हूँ, तो बस चलते हैं। तो फाइनली अपन रूम पहुंच गए हैं और यहाँ पे निशान सर, राहुल तिर्की सर और मीन सर पहले से हैं, एक बोतल बचा था उसको निपटा रहे थे लोग, तो कुछ नहीं अभी जाता हूँ थोड़ा सा नहाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगा रेस्ट करूँगा क्योंकि हालत ख़राब हो गई, हेलमेट मैं नहीं पहना था रेंजर हेलमेट पहना था, तो कुछ नहीं सब सही है, रूम पहुँच गए हैं, बस स्कूल जाना पढ़ाना, थोड़ा सा रेस्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, बाकी सब सही है, अभी वीडियो भी अपलोड करना है, बाकी और क्या बताऊँ। यहाँ पे सीन्स ऐसा है कि हम लोग गांधी स्टेडियम में हैं और एक ऐसे ही हम लोग थोड़ा कुछ देर के लिए बैठेंगे यहाँ पे, रिलैक्स करेंगे उसके बाद निकल लेंगे, तो अपना एक फ्रेंड आ रहा है मिलने, उससे मिल के चलेंगे। ये रहा ड्रोंजर मेरा छोटा भाई, तो अभी पैसा गिन रहा है ये बंदा, पैसा मिल गया इसको 300 रुपये अभी रिचार्ज करेंगे
अपने फ्रेंड का रिचार्ज करने गए थे जिनका नाम है दीप ज्योति मैम। तो बस पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा। इसी प्रकार हम गांधी स्टेडियम का 10 चक्कर मार चुके हैं, 10 चक्कर समझ रहे हो, एकदम पैर बिल्कुल नहीं थका है। यहाँ पे अपने खतरनाक ओपी बंदे लोग हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिखाता हूँ, डॉग लोग हैं, देख रहे हो इधर डॉग लोग हैं, अगर बमक गए ना तो दौड़ा दौड़ा के काटेंगे, इसलिए हम लोग निकल ले रहे हैं यहाँ से। 10 राउंड चलने के बाद अपना पैर बहुत थक चुका है, बाकी एक्सरसाइज हो गया है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना कहाँ से देख रहे हैं आप ये वाला वीडियो। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही। सो एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, डू व्हाट एवर यू वांट, ऑनेस्ट इन योर वर्क, गिव रेस्पेक्ट टू गेट रेस्पेक्ट, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।